आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। सबसे पहले तो देखिएगा, क्लॉक में देखें तो जो एंगल्स होते हैं, ये 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये एक क्लॉक हो गई, निडल ये 12, दिस इज 6, 3, 9, ठीक है। अब इसके बीच में जैसे ये 1 और ये 2, तो अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का मतलब हो गया। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो पूरे 15 मिनट का डिफरेंस में बनता है 90 डिग्री, ये 30, ये 30 और ये 30। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि दिन में कितनी बार ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनट हैंड को देखते हैं, फिर आवर हैंड को। तो मिनट हैंड जो होता है, द मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री इन एन आर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कवर करेगा, डिवाइड कर दीजिए इसको 360 डिग्री को, हम तो आया कितना 6 डिग्री, एंड 6 डिग्री इन अ मिनट, टोटल 60 मिनट होते हैं, तो हमने सिंपली 360 को 60 डिग्री से डिवाइड कर दिया, 360 को 60 से, ठीक है। 1 मिनट में कितना आ गया 6 डिग्री का। इसी तरीके से बात करेंगे आर वाले हैंड की, तो द आर हैंड कवर्स 30 डिग्री इन एन आर, एंड कितने डिग्री का बनाएगी, 0.5 डिग्री का 1 मिनट में, इन अ मिनट। सेम चीज इसमें भी अप्लाई हुई, कैसे, 30 डिग्री है, डिवाइड कर दीजिए 60 से, ठीक है। तो ये आ गया 0.5 मिनट। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं मिडनाइट, रात के 12 बजे से, ठीक है, क्योंकि कोई एक पॉइंट फिक्स करके ही शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज रैंडम हो जाएगा। तो अगर फिक्स पॉइंट से करेंगे तो फिक्स पॉइंट तक ही आ जाएंगे, तो पता लग जाएगा कितने टाइम्स ये 24 घंटे में राइट एंगल बनाती है। तो मिडनाइट का मतलब क्या हो गया, रात के 12 बजे, ठीक है, 12 o'clock एट द मिडनाइट। फर्स्ट टाइम द डिफरेंस बिटवीन द टू हैंड्स 90 डिग्री का आएगा, फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं, फर्स्ट टाइम द difference, the difference between the two hands would be 90 degree is, कब हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, this is 6x, ठीक है, is equals to 6x, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 0.5 था, तो 6x, पहले हमने मिनट वाले हैंड को लिया, अब आर वाले हैंड को लीजिए, 0.5x प्लस कितना बचेगा, 360 में से 90 को माइनस करिए 270, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो बन चुका है, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5.5x is equals to 270, एक्स की जो वैल्यू आएगी मिनट में आएगी 540/11 minutes, ठीक है। थस तो हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मूवमेंट्स, या दोनों के दोनों जो हैंड्स है, मिनट वाला भी और आर वाला भी, वो बना रहे 90 डिग्री का एंगल। सो लिख सकते हैं, थस द डिफरेंस, थस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मूवमेंट्स, कॉन्सिक्यूटिव मूवमेंट्स Where both hands forms a right angle is, कैसे निकाला जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, अभी तो आया 540/11, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 90 plus 90 180/11, कितना इक्वल्स टू आ गया, सॉल्व करें क्योंकि वो डिनोमिनेटर सेम है, तो 360/11 minutes मींस जो दो कॉन्सिक्यूटिव हैंड्स हैं, तो हम कह सकते हैं द टू हैंड्स फॉर्म अ राइट एंगल आफ्टर, हर इतने मिनट के बाद जो है एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इजीली निकाल लेंगे, तो द टू हैंड्स
टू हैंड्स फॉर्म्स अ राइट एंगल आफ्टर एवरी 360/11 मिनट्स. ठीक है, तो टोटल नंबर निकाल लेते हैं. अब क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है. तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे कितने होंगे? इट विल बी 24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. तो टोटल मिनट्स आ गए 1440. ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इससे नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द टू हैंड्स, द टू हैंड्स विल फॉर्म अ विल फॉर्म अ राइट एंगल इन अ डे. इन अ डे कितना आ जाएगा? देखिए 1440 में आप डिवाइड कर दीजिए कितने मिनट्स को, टोटल मिनट से 360/11. सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आया 4 × 11. इट मींस टोटल कितने टाइम्स हो गया? 44 टाइम्स मिनट हैंड और आवर हैंड्स मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दिन में 24 घंटे में. दिस इज द आंसर. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.